सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर आप खुश रहना चाहती हैं तो आप कम साधनों में भी सुखी रह सकती हैं, परंतु अगर आपको खुश रहना ही नहीं आता तो आप किसी भी स्थिति में दुखी ही रहोगी, चाहे आपको सोने के महल ही क्यों ना मिल जाए। अगर आप कुछ छोटा सोचते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं। आज का पंचांग 10 नवंबर 2022 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, शाम 6:32 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 5:08 तक 11 नवंबर तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:34 से 2:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 10 नवंबर 2022 दिन गुरुवार, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन की शुरुआत अच्छी होगी, विशेषता दोपहर से पहले। अपने ऑफिस संबंधित कामों की योजना अगर हो सके तो दोपहर से पहले ही बनाएं। सफलता की संभावना अधिक है। शाम को या तो कुछ ना करें या कुछ हल्का फुल्का काम करें। कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। आज बेहतरीन समय व्यतीत होगा। महिला अपनी प्रतिभा और क्षमता द्वारा कोई खास मुकाम हासिल करने में सक्षम रहेंगी। राजनीतिक संपर्क आपके लिए कुछ शुभ अवसर प्रदान करेंगे। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है तो आज उसका भी समाधान मिल सकता है। परिस्थिति में बदलाव न होने के बाद भी आपके अंदर सकारात्मकता बनी रहेगी। किसी व्यक्ति को देखकर प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, इस कारण व्यक्तिगत जीवन में बदलाव करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। जीवन को नई दिशा देने वाली घटना घट सकती है। काम से जुड़े हर एक अवसर पर ध्यान देने की कोशिश करें। रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए पार्टनर्स मिलकर प्रयत्न करें। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ होने की संभावना है। सावधानियां, ध्यान रखें कि कोई बीती हुई नकारात्मक बात आपका आज भी खराब कर सकती है, इसलिए वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें तथा खुद को व्यस्त रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, लापरवाही ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी और परिवार जनों का सहयोग आपको ऊर्जावान बनाकर रखेगा। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात के अवसर भी मिलेंगे तथा संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। अच्छा, आपकी एक ऐसी स्थिति का सामना करने की संभावना है जिससे आपके प्यार और प्रतिबद्धता की शक्ति का परीक्षण होगा। आपको अपने मस्तिष्क में ये ध्यान रखना होगा कि आपके साथी का आप पर पूर्ण विश्वास है और आपको इस प्रेम की परीक्षा में पास होना है ताकि ये प्रेम संबंध हमेशा के लिए गहरा बने रहे। अगर आप में दया और सहानुभूति रहेगी तो आप किसी चीज का भी डट का सामना कर सकती हैं। चाहे आपका भाग्य कैसे भी पहेली आपके सामने लाए। बात करते हैं करियर की। एक मालिक के रूप में अपने अधीनस्थों के लिए आप में एक दिल है। उन्हें ज्यादा उत्साह के साथ प्रदर्शन करने के लिए आपकी प्रशंसा की जरूरत है। उनसे बात करें और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आप किसी पार्टी का आयोजन भी कर सकती हैं। वे इसके लिए आपका आदर करेंगे। आप एक बड़ी परियोजना के लिए उन्हें प्रेरित भी करते रहें। उनके साथ हंसी मजाक करें ताकि वे आपके साथ सामान्य हो पाए। आप अपने विशाल नेतृत्व के गुणों का प्रयोग करें। व्यवसाय गतिविधियां अपनी देखरेख में ही कराएं। कर्मचारियों का भी उचित सहयोग रहेगा तथा कार्य क्षमता में वृद्धि आएगी। नौकरी में पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। बात करते हैं सेहत की। अपने ऊपर ज्यादा कार्यभार और जिम्मेदारियां लेने से पैरों में दर्द व सूजन जैसी समस्या रह सकती है। अपनी जांच अवश्य करवाएं तथा इलाज लें।
हर रोज अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करें। हो सकता है कि आप इस समय सही से यह ना जान पाएं कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन इतना तो समझ ही जाएंगे कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है। चाहे आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी होगी। इसी से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आज का उपाय, आज आप गरीबों को गेहूं का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।